कि एक बार जब ये पुराने समय की बात है जिस समय अभी तो आपके वेइंग मशीन होती है वजन नापने के लिए, तोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काटा होता है, पहले बाट होते थे और उससे पहले बाट नहीं होते थे, यदा कदा कहीं मिलता था तो पत्थर को नाप लेते थे कि 4 किलो का पत्थर है, 5 किलो का पत्थर है। तो क्या हुआ, गांव में एक किसान रहता था, वो मक्खन के लड्डू बनाकर के हफ्ते में एक बार शहर में जाकर के देकर आता था दुकानदार को, और दुकानदार उसके बदले में दाल चीनी उसको दिया करता था। लंबे समय तक वो दुकानदार को ऐसे व्यापार करने के लिए जाता था। एक दिन उस दुकानदार के मन में आया कि मैं सदैव इस किसान की बात पर भरोसा करके इससे 1 किलो का मक्खन का लौंदा समझ के या लड्डू समझ के ले लेता हूं, आज जरा तोल कर तो देखो इसका वजन कितना है। तो जब उसने तराजू पर उस मक्खन के लड्डू को रखा तो उसका वजन 900 ग्राम निकला। कितना? 900 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 900 ग्राम निकला, 100 ग्राम कम था। इसने दूसरा रखा, तीसरा रखा, सब में 100-100 ग्राम कम। अब तो दुकानदार का माथा खराब हो गया। मैं तो सोचता था ये सीधा सीधा गांव का रहने वाला किसान है, ये तो बड़ा चतुर निकला, हर बार 900 ग्राम का लड्डू 1 किलो कहकर के देके चला जाता था और मैं विश्वास कर लेता था, आ जा देना दो इस बार, अब की बार आएगा तो छोड़ूंगा ना इसको मैं। जैसे रविवार आया वो किसान फिर शहर पहुंचा मक्खन के लड्डू लेकर के, जाकर के इसने दुकानदार को दिया। दुकानदार तो पहले से ही भड़का हुआ था, महाराज लगा उसको सुनाने, अरे मैं तो सोचता था सीधा साधा, लेकिन तू तो बड़ा बेईमान निकला। किसान बहुत कुछ सुनता रहा, लेकिन जैसे ही उसने किसान को बेईमान कहा, दुकानदार ने किसान के हृदय को चोट लग गई। उसने कहा, महाराज तुम्हें जूते मारने 10 जूते मार लो, पर मुझे बेईमान मत कहना, पढ़ा लिखा नहीं हूं, गवार हूं, लेकिन ईमानदार हूं, ईमानदारी की मेहनत की रोटी खाता हूं। अरे बेईमान होकर के भी तुम चिढ़ते हो, 900 ग्राम का लड्डू कहकर के मुझे हर बार एक दे जाते और 1 किलो का कह के जाते थे, तुम्हारे प्रत्येक लड्डू में 900 ग्राम वजन है, तोल करके देख लो, अभी भी ऐसा ही लेके आए हो कि तोलो। वो फिर 900 ग्राम निकला। तो किसान कहता है, महाराज बेईमान मैं नहीं हूं, बेईमान तो तुम हो, जो तुम चीनी मुझे 1 किलो कह करके देते थे वही एक तराजू में रख करके मैं तोल करके तुम्हारे पास ये मक्खन लेकर के आता था। बेईमान मैं नहीं, बेईमान तुम हो, जो हर बार तुम मुझे कम वस्तु देते थे, मैं तो एक पलड़े में वस्तु रखता था और एक पलड़े में मक्खन रखता था। याद रखना, हमारी चतुराई चलने वाली नहीं है, हम जो करेंगे सो यही भोग करके जाएंगे। लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क मिलते हैं, यदि आप हमारे दृष्टिकोण से देखो तो मुझे लगता है कि वहां भी हाउसफुल हो चुका है भैया, जो यहां कर रहे हैं सो यहीं पर ही पा रहे हैं, जैसा करेंगे वैसा ही। इसलिए जन्म मिला है मनुष्य का, और देखो भगवान ना बड़े हमारे, वो हमारे गुणों से नहीं रीझते, समदर्शी है नाम तिहारो, प्रभु सबके प्रति समान भाव रखते हैं, उनकी किसी से शत्रुता या उनका प्रेम नहीं होता, प्रभु समदर्शी हैं, हम जैसा करते हैं हम वैसा पाते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि हम जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, साधना करेंगे तभी प्रभु को रिझा पाएंगे, बड़े बड़े श्लोक मंत्र गाएंगे तो ही रिझा पाएंगे, बड़े पंडित कुल में जन्म ले लेंगे, बड़े महात्मा बन जाएंगे तभी प्रभु को रिझा पाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु तो एक गजेंद्र का उद्धार करने के लिए आ गए, शबरी का, कुब्जा का उद्धार करने के लिए आ गए, तो फिर वो हमारी पुकार पर नहीं आएंगे क्या?